हे गाइस, दिस इज शमीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किबा की भी। आज के वीडियो के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज के वीडियो में मैंने ऐसा कुछ किया है जो मैंने बहुत सालों से नहीं किया था, विच इज़ लाइक प्योर रॉ एनिमेशन, मैनुअली करने वाला एनिमेशन मैंने किया था, बहुत सालों के बाद किया था, और उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट एज यू हैव ऑलरेडी सीन द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, टूडेज वीडियो इज ऑल अबाउट म्यूजिक इन वीडियोज, जिसके बारे में मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ में मैं बोल चुका हूँ कि कोई भी वीडियो म्यूजिक के बिना कुछ नहीं है। जब आप एक वीडियो बनाते हो ना, तो मैं बोलूँगा कि 50% और समटाइम्स 70% ऑफ द वीडियो इज़ द म्यूज़िक, बिकॉज वो म्यूज़िक ही उस वीडियो को पूरा कैरी करता है। एंड पर्सनली आई लाइक टू यूज़ ओनली वन म्यूज़िक इन वन वीडियो। तो क्या होता है, मुझे ऐसा एक म्यूज़िक ढूंढना पड़ता है जहाँ पे हाइज भी हो, लोज भी हो, मेरे वीडियो के हर इमोशन के साथ वो ऑडियो रिलेट करना चाहिए। वैसा साउंड में यूजुअली ढूंढ के निकालता हूँ मेरे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स के लिए हो या फिर यूट्यूब वीडियोस के लिए भी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो चॉइस ऑफ म्यूज़िक है, मेरा जो चॉइस ऑफ म्यूज़िक है, वो आप लोग को थोड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे कमेंट्स आते हैं या फिर इंस्टाग्राम में मैसेजेस भी आते हैं कि विच म्यूज़िक इज़ दिस, इस वीडियो के लिए कौन सा म्यूज़िक यूज़ किया हुआ है। ये बता देना ज़रूरी है कि मैं कम्प्लीटली फ्री म्यूज़िक यूज़ नहीं करता फॉर माय यूट्यूब वीडियोस। ये प्रमोशन नहीं है, बट मेरे पास है मतलब एपिडेमिक साउंड का सब्सक्रिप्शन, विच इज़ अबाउट 1000 rupees पर मंथ। बट टू बी फ्रैंक, जो मेरे प्रोफेशनल मतलब मेरे जो क्लाइंट वर्क होता है, उसमें भी आई हैव टू यूज़ फ्री म्यूज़िक ओनली। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एपिडेमिक साउंड का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपके पास अच्छा म्यूज़िक नहीं है, दैट इज़ नॉट ट्रू। मतलब मैं उसको कभी नहीं मानता, बिकॉज मैं एपिडेमिक साउंड जितना यूज़ करता हूँ, फ्री म्यूज़िक भी मैं उतना ही यूज़ करता हूँ। सो आई नो कि देयर मतलब अच्छे म्यूज़िक है, फ्री में बहुत सारे अच्छे म्यूज़िक्स हैं। और द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्री म्यूज़िक एंड एपिडेमिक साउंड इज़ वट आई फील, मुझे म्यूज़िक के बारे में उतना आइडिया है नहीं, मतलब आई एम नॉट अ साउंड इंजीनियर और म्यूजिशियन, बट जो मुझे सुनता है एज एन ऑडियंस, एज ए ऑब्जर्वर, जो मुझे पता चलता है डिफरेंस इज़ दैट कि एपिडेमिक साउंड का म्यूज़िक ऐसा लगता है कि जो मतलब बजा के बनाया गया है, मतलब इट्स लाइक कोई बजा रहा है वायलिन, उसको रिकॉर्ड करके वो किया गया है, उसको पता नहीं कैसे बोलते हैं। बट जो फ्री म्यूज़िक होता है, वो ऐसा लगता है कोई बंदा मतलब बेडरूम में एक मशीन में वो म्यूज़िक बना के दे दे, मतलब वो एक छोटा सा वो एक डिफरेंस आता है कि इट्स लाइक एक ऑर्केस्ट्रा है और एक डिजिटल है, वैसा एक थोड़ा डिफरेंस आता है। बट उसके अलावा म्यूज़िक में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपको बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक फ्री में भी मिल जाएंगे। बट वहाँ पे ये आता है कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला हुआ है कि मैं कहाँ से म्यूज़िक लेता हूँ, कैसे लेता हूँ, कैसे यूज़ करता हूँ, सब कुछ मैंने पहले भी बोला हुआ है। सो आई थॉट कि व्हाट एल्स आई कैन डू फॉर यू, मैं ऐसा और क्या कर सकता हूँ कि ताकि आप लोग को थोड़ा हेल्प मिले। अगर आप लोग मेरे चैनल को देखते हो तो आप लोग को क्या वैल्यू मैं दे सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम ओनली जस्ट टेलिंग। तो मैंने क्या प्लान किया कि इस वीडियो के साथ, जो आप लोग अभी देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक है जो मैं इसके साथ ही अपलोड करूंगा। दिस विल बी द आई थिंक फर्स्ट डबल अपलोड ऑफ माय चैनल, दो वीडियो में एक साथ अपलोड कर रहा हूं। तो ये वीडियो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मतलब मैं उस वीडियो को क्यों अपलोड कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। द नेचर ऑफ वर्क, द नेचर ऑफ जॉब, द नेचर ऑफ प्रोफेशन आई एम इन, मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि हर हफ्ते मैं 2-3 फ्री म्यूज़िक मुझे ढूंढना पड़ता ही है फॉर क्लाइंट प्रोजेक्ट्स। एटलीस्ट मतलब आई एम नॉट इवन एग्जेजरेटिंग, हर हफ्ते मुझे 2-3 अच्छे फ्री म्यूज़िक ढूंढना पड़ता है। तो क्या होता है कि जो क्लाइंट्स प्रोजेक्ट होते हैं, जो प्रोफेशनली हम लोग करते हैं, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सपोज एक वीडियो का एडिटिंग करना है मुझे, शॉर्ट होके आ गया है पूरा, एडिटिंग करना है। सो व्हाट आई डू, आई सिलेक्ट लाइक 3 म्यूज़िक और मैं क्लाइंट को भेज देता हूँ वो 3 म्यूज़िक कि आप लोग इन तीनों में से क्या आपको अच्छा लगता है वो मुझे बता के दो, सो दैट आई कैन स्टार्ट एडिटिंग। बिकॉज मैं एक म्यूज़िक लेके एडिट करूँगा, फिर उसके बाद उन लोग को वो म्यूज़िक अच्छा नहीं लगेगा, देन दे विल चेंज द म्यूज़िक, तो मेरा पूरा एडिट मतलब वेस्ट हो गया। इसीलिए फॉर प्रोफेशनल वर्क ऑल्सो आई गेट द म्यूज़िक अप्रूवल फर्स्ट, देन आई स्टार्ट एडिटिंग। और यही है वर्क फ्लो, मतलब यही आपका यूट्यूब में भी होगा, हर प्रोजेक्ट में होगा। यू विल हैव टू फॉल इन लव विद द म्यूज़िक फर्स्ट, आपको वो म्यूज़िक बहुत अच्छा लगना पड़ेगा, देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द शॉर्ट्स, देन यू विल स्टार्ट अबाउट हाउ टू एडिट, कौन से बीट में मैं क्या करूँगा, वो सब आपके दिमाग में आते रहेगा। सो म्यूज़िक इज़ दैट इंपॉर्टेंट। तो मैंने सोचा कि उन म्यूज़िक से भी, जितने भी मेरे पास फ्री म्यूज़िक्स हैं, उनमें से भी मैं 30 म्यूज़िक, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का एक वीडियो, मैं एक वीडियो में डालूंगा वो 30 म्यूज़िक, और वीडियो को मैं अलग से अपलोड करूंगा, ताकि अगर आप लोग को चाहिए कि मुझे फ्री म्यूज़िक चाहिए फ्रॉम ए डिपेंडेबल सोर्स, क्योंकि यूट्यूब में आपको बहुत सारे फ्री म्यूज़िक मिलते हैं, बट मैं उस टाइप में पढ़ चुका हूं कि फ्री बोलते हैं वो लोग, बट वंस यू अपलोड तो 2-3 दिन बाद वहां पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो यू डोंट नो कि विच सोर्स इज़ ट्रस्टेबल एंड विच सोर्स इज़ लेजिट। जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जो 30 गाने हैं वो पूरे फ्री है, एटलीस्ट 2020 पॉलिसी में तो पूरे फ्री ही है, मतलब अगर आप इस साल में यूज़ करोगे तो आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं लगेगा। तो मैंने क्या किया कि ठीक है, ये वीडियो तो मैं आप लोग को डिस्क्राइब करके दे दूंगा, तो एक इस वीडियो में एक पर्सनैलिटी है,
जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैंने पहले क्या किया था, गाने मैंने डाल दिए एंड आई जस्ट केप्ट द टाइटल कि एक टाइटल रखूंगा, ये गाना इस टाइटल का, ये गाना उस टाइटल का, जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैंने सोचा कि वो बहुत बोरिंग हो जाएगा, वाई वुड यू लाइक टू लाइक गो थ्रू अ वन एंड हाफ आवर वीडियो जस्ट लुकिंग एट द टाइटल्स। तो मैंने एक छोटा सा एनिमेशन बनाया, मैंने अपने दो फोटोज़ को लिए और उन दो फोटोज़ को मर्ज करके मैंने एक छोटा सा वेक्टर एनिमेशन बनाया और वो पूरे वीडियो में वही एनिमेशन रन करते रहता है। आई वॉन्टेड टू गिव अ वेरी वल्नरेबल येट डिजायरेबल एनवायरनमेंट एंड एक एटमोसफेयर, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप माजुली के किसी छोटे से गाँव में हो, ऐसे बारिश हो रहा है, वो वाला फील मैंने देने की कोशिश की। एंड इन दैट वीडियो आपको हर गाने का नाम मिल जाएगा, मैंने 30 गाने रखे हैं उस वीडियो में और हर गाना फ्री है और वहाँ पे टाइम कोड भी दिया हुआ है हर गाने के लिए, तो आपको पूरा डेढ़ घंटा नहीं सुनना है। अगर आप क्लिक कर करके आप सिर्फ मतलब थोड़ा थोड़ा सुन के आपको पता चलेगा कि ओके दिस सॉन्ग माइट बी फॉर मी। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि वो सारे गाने मतलब ये वाला गाना मुझे चाहिए बट फॉर दैट आई हैव टू डाउनलोड द फुल वन एंड हाफ आवर वीडियो, तो किसी का नेट स्लो हो सकता है, किसी को अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसका भी मैंने सॉल्यूशन दिया है कि उसके नीचे मेरे गूगल ड्राइव का एक लिंक भी रहेगा, अगर आप उसको क्लिक करोगे आपका गूगल साइन इन होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो वॉलपेपर वाला दिया था उसमें बहुत लोगों ने गूगल साइन इन नहीं किया था तो वो एक्सेसिबल नहीं था, बट आप लोग जस्ट गूगल साइन इन करो और आपको जो भी गाना उसमें सुन के अच्छा लगता है यू विल फाइंड दैट सॉन्ग स्पेसिफिक सॉन्ग इन दैट गूगल फोल्डर, तो आप बस उसको डाउनलोड कर लो अगर आपको चाहिए तो। 30 सॉन्ग्स मैंने डाले हैं विच इज़ लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट और वहाँ पे एक पर्सनल मेरा मतलब आई शुड थैंक यू गाइज, क्योंकि मैं जब अपने पुराने आर्काइव से जा रहा था तो मुझे एक बहुत ही सेक्सी सा म्यूज़िक मिला, उसका नाम है वर्साचे बीट, आई थिंक वो मिडिल की तरफ है गाने का, वो मुझे इतना पसंद आया ना वो म्यूज़िक, आई एम थिंकिंग कि मैं उस म्यूज़िक में भी एक बी रोल बनाऊंगा, मतलब इट्स वेरी एनर्जेटिक एंड पावरफुल एंड वेरी मूडी एंड एटीट्यूड भी है उस गाने में, सो आई लाइक इट वेरी मच, सो थैंक यू गाइज फॉर, क्योंकि मैंने वो कब डाउनलोड किया था मुझे ज़रा भी याद नहीं है। एंड विथ एवरी सॉन्ग मैंने वहाँ पे मेंशन किया है कि विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री, किस में क्रेडिट चाहिए, तो क्रेडिट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो के, तो अगर आप वो गाना यूज़ करना चाहते हो तो आपको वो क्रेडिट अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना पड़ेगा, बट दीज आर एब्सोल्युटली फ्री, कोई सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं करना है आप लोग को। हर गाना ना ऐसे शुरुआत से एंड तक कभी परफेक्ट होता नहीं है, तो आपको वो गाना सुनना पड़ेगा, देन यू हैव टू फील द मूड कि आपको ये गाने का ये बीट मतलब ये पोर्शन मुझे बहुत पसंद है, तो आप क्या करो, सपोज अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो उस गाने को ऐसे थोड़ी देर प्ले होने दो, फिर जब वो बीट आएगा तब से आप अपना बी रोल या फिर अपना जो भी सिनेमेटिक सीक्वेंस है या फिर आप कुछ भी कर रहे हो ड्रामा में भी, वो आप उस बीट से शुरू करो, तो आपको पूरा गाना ऐसे सुनना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा कि इस गाने में ये पोर्शन अच्छा है। और मैं बहुत बार ऐसा भी करता हूँ कि एक ही गाने का एक पोर्शन मैंने किसी और प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया, फिर मिडिल का पोर्शन मैंने किसी और प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया, क्योंकि इतना हाईज एंड लोज आता है किसी किसी गाने में कि वो सेम ही गाना है बोल के पता ही नहीं चलता है, मतलब एट सम पॉइंट इन सम सॉन्ग्स। और मैंने उस वीडियो सीक्वेंस को ऐसे डाला है मतलब गानों को कि आप लोग बस एक चिल बीट की तरह भी सुन सकते हो, अगर आपको काम कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, घर साफ कर रहे हो या फिर मैं भी मैथ्स, क्योंकि मैं मैथ्स के टाइम पे म्यूज़िक सुनता था, मैथ्स कर रहे हो तब जस्ट उस वीडियो को प्ले करके रख दो, तो आई होप कि आपको जो सीक्वेंस है वो पूरा सिर्फ सुनने में मज़ा आएगा। सो दैट्स इट, आई थिंक आप लोग को ये जो मैंने किया चीज़ थोड़ा हेल्पफुल लगेगा, सो दैट यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस ऑल द आर्काइव्स, क्योंकि आई नो कि बहुत सारे फ्री म्यूज़िक साइट्स है, बहुत सारे फ्री म्यूज़िक के मतलब चैनल्स हैं यूट्यूब में, बट एक कलेक्शन देना भी बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई बोलता है कि ये 5 सॉन्ग अच्छे हैं इनमें से ले लो, विच विल सेव मी सो मच टाइम कि मैं पूरा आर्काइव जाने से उधिक मसद भगोली कोना बोली कहना, आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोनों वीडियोस को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, एटलीस्ट ये भी तो नहीं तो उस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए जिसको भी आपको लगता है कि दे आर सर्चिंग फॉर गुड म्यूज़िक। और हाँ, जाते जाते मैंने जो बोला था वो गाने का चीज़, दैट इज़ लाइक देखिए अभी भी एक म्यूज़िक चल रहा है मेरे मतलब वीडियो के पीछे, एक म्यूज़िक थोड़े से चल रहा है बट अभी तक वो बीट नहीं आया, सो आई लव टू जस्ट कीप टॉकिंग, आई लव टू जस्ट कीप इन्वॉल्विंग यू इन माई टॉक, उस बीट के आने तक मुझे इंतज़ार करना है, अभी नहीं, लाइक जस्ट 2 मोर बीट्स एंड अब जाके वो बीट आएगा एंड नाउ।